अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इंग्लिश में सीखेंगे एंड। इससे पीछे हमने सीखा था टी और एफ के बारे में, और अब हम सीखेंगे एंड कि एंड कैसा होता है। बच्चों देखो, एक सीधी सी लाइन लगाई, फिर उसको थोड़ी सी लाइन छोड़ के उसके दरमियान लाइन छोड़ के उसको आगे ले गई, फिर उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एंड। तो ये क्या बन गया हमारे पास एंड। एंड की क्या साउंड है, एंड ना, एंड ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बना हुआ है, नट। नट के शुरू में क्या आता है एंड, नट के शुरू में क्या आता है एंड, एंड ना नट, एंड ना नट, एंड ना नट। इसी तरह हम पिक्चर्स पे आएंगे। सबसे पहले हमारे पास है नोज, ये क्या बना हुआ है नोज। नोज के शुरू में क्या आता है एंड, नोज के शुरू में क्या आता है एंड ना नोज। इसी तरह हम आगे जाएंगे नेल, एन ए आई एल नेल, नेल के शुरू में क्या आता है एंड, नेल के शुरू में भी क्या आता है एंड। इसी तरह हम नीचे देखेंगे, हमारे पास नीचे क्या बना हुआ है नेट, क्या बना हुआ है हमारे पास नेट। नेट के शुरू में क्या आता है बच्चों, नेट के शुरू में भी क्या आता है एंड, एंड ना नेट, एंड ना नेट। फिर आगे देखिए नीडल, नीडल के शुरू में क्या आता है एंड, एंड ना नीडल। नीडल किसको कहते हैं बच्चों, सुई को। इसी तरह आपने इसमें कलर्स भी करने हैं, तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एन कैसे लिखेंगे। एक सीधी सी लाइन लगाएंगे, सीधी सी लाइन लगाई, फिर उसको थोड़ा सा लाइन को छोड़ के उसको थोड़ा सा आगे ले गए उल्टी साइड पे, पीछे की साइड पे लेके उसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एन। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, इसको पीछे ले गए, फिर उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एंड। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, उसको पीछे ले गए, दरमियान में से पीछे ले गए, फिर उसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा एंड। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, फिर उसको पीछे ले गए, फिर उसी के साथ उसको नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एंड। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, फिर उसको पीछे ले गए, फिर उसको उसी के साथ नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों एंड। इसकी प्रैक्टिस भी करनी है आपने, रजिस्टर पे भी लिखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और एंड की साउंड भी याद करनी है एंड ना। तो ये जो शेप्स बनेंगे इसमें कलर्स भी करने हैं। इसी के साथ हम आगे देखेंगे, आगे हमारे पास क्या है एम। आगे हमारे पास किसकी शक्ल बनी हुई है, एम की। एम, एम की साउंड क्या होगी बच्चों, एम मा। और अब देखेंगे एम कैसे लिखते हैं। जैसे हमने एन लिखा था उसी तरह हमने एम भी लिखना है। एक सीधी सी लाइन लगाई, उसको उल्टी साइड, उसको उल्टी साइड पे ले गए, फिर उसको नीचे ले जाएंगे, फिर इसी तरह डबल एन लिख के उसको एम बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा एम, एम मा। तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, मैट। देखेंगे हम एम कहाँ कहाँ पे है, हमने एम ढूंढना है, तो मैट में देखते हैं हमारे पास एम कहाँ पे है। मैट के शुरू में क्या आता है बच्चों एम, मैट के शुरू में क्या आता है एम, एम मा मैट। मैट के शुरू में हमारे पास क्या आ गया एम। इसी तरह हम एम ढूंढते जाएंगे, हमारे पास ये कहाँ कहाँ पे है एम, तो हमारे पास ये रहा मैट में एम, एम। तो बच्चों हमारे पास एम कहाँ है मैट में, मैट में हमारे पास शुरू में क्या है एम, एम मा मैट, एम मा मैट। तो बच्चों ये हमने तीनों वर्ड्स पढ़े हैं ना, एम भी पढ़ा है, ए भी पढ़ा हुआ है और टी भी पढ़ा है, तो ये क्या बन गया एम ए टी मैट, क्या बन गया एम ए टी मैट। इसी तरह हम आगे पिक्चर्स में आएंगे, क्या क्या बना हुआ है मेलन, मेलन के शुरू में क्या आता है एम, मेलन के शुरू में क्या आता है बच्चों एम, एम मा मेलन। इसी तरह
आगे देखेंगे क्या है ये मीट। मीट के शुरू में क्या आता है बच्चों? एम, एम्मा मीट, एम्मा मीट। और इसी के नीचे हम देखेंगे क्या है ये मिल्क, एम्मा मिल्क। मिल्क के शुरू में क्या आता है? एम, एम्मा मिल्क। इसी के साथ हम देखेंगे मून, मून के शुरू में भी आता है एम, एम्मा मून। और अब हमने पहचान कर ली कि एम कहाँ कहाँ पे है। इसी के साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि एम कैसे लिखते हैं। तो बच्चों आए, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। एक सीधी सी लाइन लगाई, उसको थोड़ा सा आगे ले गए, नीचे ले जाएंगे, फिर उसको पीछे लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एम। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, फिर उसको पीछे लेके गए, फिर नीचे ले आएंगे, फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एन। फिर एक सीधी सी लाइन लगाई, उसको पीछे ले गए, फिर उसको नीचे ले आएंगे, फिर पीछे ले गए, फिर उसको नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एम। फिर एक लाइन लगाई, फिर थोड़ी सी लाइन छोड़ के उसको पीछे की साइड पे ले जाएंगे, फिर उसको नीचे ले आएंगे, फिर एक लाइन थोड़ी सी लाइन छोड़ के उसको नीचे की साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एम। तो आपने बच्चों इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये क्या बन जाएगा? एम मा। तो अब इससे पीछे हमने क्या सीखा था? एन ना और एम मा। तो इसी के साथ हम आगे वाले पेज पे जाते हैं। अब हम क्या सीखेंगे? ये हमारे पास किसकी शक्ल बनी हुई है? एच की। ये क्या है बना है? एच की। एच, एच की साउंड क्या है बच्चों? एच ह, एच ह। तो आज हम सीखेंगे एच कैसे लिखना है। एक सीधी सी लाइन लगाएंगे, वन की तरह लाइन लगाएंगे, फिर उसको उस दरमियान के लाइन के दरमियान में से उसको उल्टी साइड पे लेके जाएंगे, फिर उसको नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एच। एन की तरह ही होता है, सिर्फ इसका जो वन है वो थोड़ा सा, इसकी जो लाइन है थोड़ी सी लंबी होगी, ये क्या बन जाएगा? एच। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बना है? हैट। तो ये क्या बना हुआ हमारे पास? हैट। तो एच इसके शुरू में भी क्या आता है? एच। तो बच्चों ये भी हमने तीनों वर्ड्स पढ़े हैं, एच भी पढ़ा हुआ, ए भी और टी भी। एच ए टी हैट। तो आए बच्चों अब हम इसकी पिक्चर्स में देखते हैं। पिक्चर्स पे हमारे पास सबसे पहले है हैमर। सबसे पहले हमारे पास क्या है? हैमर। हैमर किसको कहते हैं बच्चों? हथौड़ी को। हैमर के शुरू में क्या आता है? एच, एच ह हैमर। तो इसी के साथ हम देखेंगे क्या बना हुआ है? हैन। हैन के शुरू में क्या आता है? हैन के शुरू में भी आता है एच। तो इसके भी तीनों वर्ड्स हमने सीख लिए हैं, एच भी सीखा है, ई भी और एन भी। इसी के नीचे हम देखेंगे ये क्या है? हॉर्स। हॉर्स कॉट बना है, हॉर्स कॉट। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? टांगा। इसको क्या कहते हैं? टांगा कहते हैं, ठीक है। तो इसके शुरू में क्या आता है? एच। तो इससे आगे हमारे पास क्या है? हैंड। हैंड के शुरू में क्या आता है बच्चों? एच। हैंड के शुरू में क्या आता है? एच। हैंड का भी हमने तीनों ये चारों वर्ड्स पढ़े हैं, एच भी पढ़ा हुआ है, ए भी, एन भी और डी भी, हैंड। तो बच्चों हमने पहचान कर ली एच कहाँ कहाँ पे है। तो अब हम इसको लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे। आए बच्चों हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक सीधी लाइन लगाई, उसको दरमियान में से उल्टी साइड पे ले गए, फिर उसको नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एच। फिर एक सीधी लाइन लगाई, उसको दरमियान में से उल्टी साइड पे ले जाएंगे, फिर उसको वहां से नीचे ले आएंगे, तो क्या बन जाएगा? एच। एक सीधी लाइन लगाई, उसको दरमियान में से उल्टी साइड पे ले गए और उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एच। फिर एक सीधी लाइन लगाई, उसको दरमियान में से उल्टी साइड पे ले गए तो उसको नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? एच।
एच हा, फिर एक सीधी लाइन लगाई, उसको उल्टी साइड से आगे ले जाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एच। तो आज हमने तीन वर्ड्स कौन से पढ़े, एक एन, एम, आज हमने क्या सीखा, एन एन्ना, एम्मा, एन्ना, एम्मा और एच हा, एच हा। तो आज हमने ये तीनों वर्ड्स पढ़े हैं, ये जो शेप्स बनी हुई है इनमें आपने कलर्स भी करने हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।